एवरीवन, वेलकम टू छाबड़ा हॉबी क्लासेस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चा पार्टी, आई एम बैक विद द न्यू ड्राइंग। तो जैसे हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद देखो, हेयर के कर्व्स बनाने हैं। नाउ फेस लाइन, फेस का शेप देना है ताकि वो प्रॉपर राउंड ना लगे, और फेस जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं सर्कल की, दैट वी हैव टू इरेज। देखो फेस बन गया, एक्स्ट्रा लाइंस जितनी भी दिख रही हैं सर्कल की, वो हमें इरेज कर देनी है। नाउ अब हम नेक बनाएंगे 1 1 11, उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएंगे एंड नेक का राउंड बना देंगे। यस, अब हम शोल्डर्स उठाएंगे और इस तरीके से डाउन ले आएंगे। इसी के बीच में आर्म लाइन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे उसका सिर्फ टी शर्ट पार्ट विजिबल हो रहा है। अब हम देखो हेयर्स बना रहे हैं, छोटे छोटे कर्व्स लेकर, उस गर्ल के लॉन्ग हेयर्स हैं, ठीक है। सो बी लिटिल केयरफुल व्हाइल मेकिंग द हेयर्स। स्मॉल स्मॉल कर्व्स लेने, कर्व्स बहुत बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। यस, अब हम देखो फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर टेक्निक आप क्रॉस वाली भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पेटल्स प्रॉपर बना सकते हो तो ऐसे भी फ्लावर बन जाएगा। नाउ आईज, आईब्रोज, स्मॉल लिटिल नोज एंड देन लिप्स, मेक अ लाइन राउंड एंड लिटिल हिली। आईज की आई लैशेस बना देते हैं। यस, नाउ अब देखो नीचे वी हैव टू क्रिएट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। इसके ऊपर हमने बर्ड बिठा दी एक, यस। नाउ छोटे छोटे पॉट्स बना लेंगे इसके बाद। स्मॉल स्मॉल पॉट्स, वो बालकनी में खड़ी है तो वो वहाँ पर विंडो के पास छोटे छोटे पॉट्स पड़े हुए हैं, इसको गार्डनिंग का शौक है। ठीक है, सो दो पॉट्स हमने टी शर्ट के पास बना दिए, एक पॉट हम इधर बना देते हैं। तो कितना फटाफट हमारा ड्राइंग हो गया। यस, अब इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लेंगे पेंट कलर्स एंड ऑयल पेस्टल्स। आप सिर्फ पेंट से भी बना सकते हो, आप सिर्फ ऑयल पेस्टल से भी बना सकते हो, टेक्निक जो है वो सेम रहेगी। अब हम ले रहे हैं गोल्डन येलो कलर, और सबसे पहले जो उसका बैकग्राउंड है, जो बेस है, उसको हम कलर करेंगे विद गोल्डन येलो कलर। यू कैन टेक पोस्टर कलर, यू कैन टेक एक्लेरिक कलर, जो भी कलर आपको पसंद हो आप दोनों में से ले सकते हो। ठीक है, सो फटाफट हम बेस कर देंगे। बी लिटिल केयरफुल कि हमारा जब हम बेस करें तो फिगर के अंदर जो हमने ड्राइंग बनाई है उसके अंदर ना जाए। पेंट हमें एक डायरेक्शन में करना है, अगर हम लंबा ब्रश चला रहे हैं तो लंबा ही चलाएंगे। फर्स्ट मेक द आउटलाइन, थोड़ा थोड़ा पोर्शन कर कर आपको उसे कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, मूव योर ब्रश इन वन डायरेक्शन ओनली। यस, ऑलमोस्ट डन। नाउ अब हमारा जो नीचे का पार्ट है उसके अंदर आई विल गो विद ग्रीन। यू कैन टेक लाइट ग्रीन, डोंट गो विद डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन बहुत
आंखों को चुभेगा, सो यू हैव टू गो विद लाइट ग्रीन। यस, हमारा बेस हो गया, नीचे का ग्रीन पार्ट हो गया। अब हम फेस पे वर्कआउट करेंगे। फेस के लिए हम लेंगे स्किन कलर। अगर आपके पास स्किन कलर नहीं हो तो यू कैन टेक वाइट कलर। वाइट कलर ज़्यादा लेना है और ऑरेंज कलर बहुत थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, तभी आपका स्किन कलर अच्छा बनेगा। ठीक है, अगेन यू हैव टू गो इन वन डायरेक्शन, फेस, नेक एंड आर्म्स, तीनों के अंदर हमारे को स्किन कलर करना है। इसमें हम शेडिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल टेक्निक सीख रहे हैं। फर्स्टली हाउ टू पेंट, तो प्लेन कलर फिल करेंगे, फिर जो मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी उसमें डेफिनेटली आपको शेडिंग बताऊँगी। टी शर्ट के अंदर आई एम गोइंग विद ब्लू, सो थोड़ा केयरफुली करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि हमारे नीचे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में नहीं जाना चाहिए, तो बी लिटिल केयरफुल। सो इसमें हमने क्या किया, हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि उसका फेस, बैकग्राउंड, टी शर्ट, वो सारा पार्ट हमने पेंट से कर दिया। रेस्ट वील गो विद ऑयल पेस्टल्स, यू कैन गो विद ब्रश पेंस ऑल्सो, वो आपकी चॉइस है, बट आई विल गो विद ऑयल पेस्टल्स। यस, ये छोटा छोटा एरिया आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आप ब्रश नंबर चेंज कर सकते हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द सेम ब्रश यू कैन गो विद द सेम ब्रश। सो ऑलमोस्ट ब्लू इज ऑल्सो डन। यस, हमारी ड्राइंग हो गई, हमने वो कर लिया। नाउ देखो, जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, आई एम गोइंग विद ऑयल पेस्टल्स। यू कैन इवन गो विद योर प्लास्टिक क्रियॉन्स। अगर आपको ऑयल पेस्टल्स की बॉडी मोटी लगती है कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो सकती, तो यू कैन गो विद योर प्लास्टिक क्रियॉन्स ऑल्सो। यस, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पॉट। इस तरीके से यहाँ पर लाइट ब्लू कलर कर देंगे। कॉम्बिनेशन चॉइस इज योर्स, यहाँ पे आप अपनी कलर स्कीम चेंज करना चाहो अपने अकॉर्डिंगली, यू कैन चेंज। सो फटाफट इसको फिल करते हैं। आई एम गोइंग विद ऑयल पेस्टल्स, यू कैन गो विद योर प्लास्टिक क्रेयॉन्स। अब देखो, जो फ्लावर है उसमें मैं स्केच पेन से कलर कर रही हूँ। स्केच पेन रेड कलर ले लिया और फटाफट फ्लावर को स्केच पेन से कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही मैं लिप्स भी स्केच पेन से ही फिल कर रही हूँ, चीक्स विद द पिंक स्केच पेन, बर्ड को भी आप कलर कर सकते हो स्केच पेन की हेल्प से। नाउ अब मैं परमानेंट मार्कर ले रही हूँ, बी लिटिल केयरफुल, आई एम टेकिंग परमानेंट मार्कर फॉर द आउटलाइनिंग। अब हम आउटलाइन बना लेंगे पहले, सो दैट जितना पार्ट हमने बनाया है, हमारी जो फिगर है वो क्लियर हो जाए। अब हमें ऑयल पेस्टल्स थोड़ा सा ही वर्क बचा है, तो हम बेसिक आउटलाइनिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो व्हाट आई हैव डन, लाइट ब्लू कलर लेना है और उससे मैंने टी शर्ट्स में लाइन बना दी। यू कैन टेक इवन वाइट कलर ऑल्सो, इट्स अप टू यू। आप वाइट कलर भी ले सकते हो, उससे भी आप लाइंस डाल सकते हो। सो देखो पेंट के ऊपर ऑयल पेस्टल कितने आराम से चल गए। लीव्स मैंने कर दी स्केच पेन से, ब्रश पेन से, सो यू कैन गो विद ऑयल पेस्टल्स, यू कैन गो विद ब्रश पेन्स, यू कैन गो विद योर प्लास्टिक क्रियॉन्स। जो छोटे छोटे होते हैं वो आप किसी से भी जा सकते हो, बट बी लिटिल केयरफुल, आई एम गोइंग विद द परमानेंट मार्कर। स्केच पेन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, आपको परमानेंट मार्कर ही लेना है। यू कैन टेक द थिक वन और द थिन वन, इट्स अप टू यू।
ठीक है, अब देखो हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट डन हो गई, जस्ट उसके हेयर्स बचे हैं। तो हेयर्स में हम लोग स्क्रैचर टेक्निक करेंगे, तो आई एम गोइंग विद द ऑयल पेस्टल। पहले मैं ब्राउन कलर का बेस दूंगी हेयर्स पे। यस, यू कैन टेक नॉर्मल ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं लेना है। आई हैव यू हैव टू गो विद योर नॉर्मल ब्राउन कलर। मैंने डोम्स के लिए ऑयल पेस्टल्स, आप कैमलिन के भी ले सकते हो, फेबर कैसल के भी ले सकते हो, या आपके वहाँ पर जो भी अवेलेबल हो जिस टाइप के ऑयल पेस्टल्स, यू कैन गो विद दैट। ब्राउन कलर से आपको बेस देना है, वाइट एरिया लेफ्ट ओवर नहीं करना है। यस, अब ब्राउन के ऊपर ही आई एम गोइंग विद ब्लैक। ब्लैक को फिल कर देना है, बहुत केयरफुली फिल करना, सो दैट आपने जो ड्राइंग बनाई है, जो फिगर वर्क किया है या जो कलरिंग की है, वो स्पॉइल मत करना, क्योंकि ब्लैक कलर से बहुत जल्दी स्पॉइलिंग हो जाती है। इंस्टेड ऑफ ऑयल पेस्टल यू कैन गो विद ब्लैक पेंट ऑल्सो। आप ब्लैक पेंट भी कर सकते हो हेयर्स में। पहले नीचे ब्राउन का बेस लगाओ, उसके बाद आपको ब्लैक कलर का पेंट लगा देना है, बट बी लिटिल केयरफुल अगेन। सो बस ये होने वाला है, ऑलमोस्ट डन। इसके बाद यू कैन यूज योर स्क्रैचर। मेरा स्क्रैचर गुम हो गया था, तो आई एम गोइंग विद द स्केल। सो हमें हेयर की लाइंस कर्व्स बना देने हैं। बी लिटिल केयरफुल वाइल मेकिंग द हेयर्स। यस, अगर आप ब्लैक कलर का पेंट करोगे तब भी आपका स्क्रैचर टेक्निक जो है वो वर्क करेगा। सो यू कैन गो विद योर ऑयल पेस्टल और यू कैन गो विद योर पेंट, बट बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि जब हम फाइनल करने लगते हैं तो कई बार हमारी ड्राइंग मैसी हो जाती है। सो बी स्लो एंड बी लिटिल केयरफुल। यस, देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हेयर्स। तो हमारा ऑलमोस्ट पार्ट डन। अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डल लग रहा है येल्लो, यू कैन लीव। आप उसे प्लेन येल्लो छोड़ सकते हो, बट मुझे डॉट्स पसंद हैं तो मैं रेड कलर की ऑयल पेस्टल से डॉट्स डाल दूंगी। पेंट के ऊपर आप पेंट से भी कर सकते हो, रेड कलर का पेंट लेके ईयरबड से भी डॉट डाल सकते हो, बट मैंने ऑयल पेस्टल से ही डॉट्स प्रेफर किए कि मैं ऑयल पेस्टल से ही डाल देती हूँ। सो फटाफट रेड कलर की डॉट्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। देखो हमारी गर्ल कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। यस, सो ये मैंने आपको इस बार टेक्निक कराई पोस्टर कलर्स और हम स्केच पेन के साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को देखते रहो, ड्राइंग्स बनाते रहो, कीप इन्जॉइंग। बाय बाय।